Hey guys and welcome to the another episode of Cut to Cut Updates, जहां बात करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी सीरीज की अपडेट्स के बारे में बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखना। वेल, आज हम बात करेंगे द बॉयज सीजन 3 एंड जॉन विक चैप्टर 4 की अपडेट्स के बारे में, साथ में लूसीफर सीरीज के क्रिएटर जिनका नाम है जो हेंडरसन, तो उन्हें सीरीज के सीजन 5 बी और 6 के बारे में कुछ रिवील किया जो कि वाकई इस सीरीज के फैंस को सुनना चाहिए। तो खैर, सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही द बॉयज के सीजन 3 से, जहां पर जेंसन एक्लेस ने अपना एक लुक रिलीज किया है। जेंसन एक्लेस वही है जो कि इस सीरीज के अंदर सोल्जर बॉय नाम के सुपर हीरो का रोल प्ले करने वाले हैं, एंड साथ में उन्हें कैप्शन भी डाला हुआ है जहां पर उन्होंने लिखा है ओके क्वारंटाइन ब्रिंग इट ऑन। एंड ऐसा क्यों लिखा है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में सिंपल से उन्होंने ये बताया कि अपने शूटिंग करने से पहले उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था। एंड देखो, अगर बात करें इनके लुक के बारे में तो वो काफी ज्यादा रफ लग रहा है। एंड देखो, जो इसका मेन रीजन है तो वो में भी इसकी बैक स्टोरी में छुपा हुआ है, और वो ये है कि सोल्जर बॉय एक ओरिजिनल सुपर हीरो, यानी कि उसको किसी भी कंपाउंड वी के द्वारा नहीं बनाया गया है, एंड वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जी रहा है। एंड इसकी पूरी कहानी तो आपको सीजन 3 देखने के बाद ही मालूम पड़ जाएगी। पहले बात कर लेते हैं अपनी सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि ये निकल के आ रही है कि जॉन विक चैप्टर 4 की शूटिंग अब स्टार्ट होने वाली है, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है खुद कीनू रीव्स, जिनको देखा गया है बर्लिन में पोर्ट्सडैम बेबल्सबर्ग नाम के एक स्टूडियोज में 7 अप्रैल को। साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि इस फ्रेंचाइजी की मेकर्स कुछ बड़ा सोच रहे हैं इसके चैप्टर 4 को लेकर। वेलो बड़ा क्या है उसके बारे में फिलहाल तो कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। एंड लूसीफर सीरीज की अपडेट देने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं, अगर नहीं किया तो प्लीज कर लो। सो गाइस, लूसीफर सीरीज के क्रिएटर जिनका नाम है जो हेंडरसन, तो उन्हें अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस सीरीज के सीजन 5 बी और 6 के बारे में ये कहा है कि दोनों ही सीजन वाइल्डली डिफरेंट हैं। जिसको एक्सप्लेन करते हुए उन्हें ये कहा है कि जहां सीजन 5 भी बिग है और एपिक है, वहीं सीजन 6 स्वीट है और पर्सनल है, एंड आई डोंट इवन नो हाउ टू कंप्लीट देम, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड लूसीफर सीजन 5 बी के बारे में एक अपडेट पहले ये भी निकल के आई थी कि जहां पर लूसीफर सीजन 5 का पार्ट ए एंड हुआ था, उसके जस्ट 2 सेकंड बाद से सीजन 5 बी की कहानी स्टार्ट होगी। वेल गाइस, इन अपडेट से कम ये तो साबित हो ही गया कि यार लूसीफर सीजन 5 भी बिग होने वाला है एंड एपिक होने वाला है, समझ रहे हो, एपिक। सो गाइस, बस यही कुछ अपडेट थी जो कि मुझे आपसे शेयर करनी थी। एंड देखो, फ्यूचर में इन मूवी सीरीज के बारे में जो भी अपडेट्स निकल के आती रहेंगी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा इसी चैनल के ऊपर, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो फिर बस यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।